हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही कम तेल से बनने वाला कच्चे आलू का बहुत ही अमेजिंग सा नाश्ता। इस नाश्ते को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो काफी यूजफुल होगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिले सबसे पहले। तो आज हम बनाने वाले हैं कच्चे आलू का नाश्ते के लिए हमने लिए हैं 2 आलू और इधर हमने लिया है 50 ग्राम सूजी और ये सूजी हमारी बारीक वाली है और बारीक वाली सूजी का ही इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास मोटी है तो मिक्सी जार में डालकर उसको बारीक कर लीजिएगा। और इधर हमने लिया थोड़ी सी ग्रीन चिली और इधर हमने लिया अदरक का एक टुकड़ा जिसको हमने छिकले के सहित लिया है, यानी छिकला सहित लिया है जिसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो अब हम क्या करेंगे, एक छोटा वाला मिक्सी जार ले लेंगे और उसमें हम अपने आलू को कट करके डालेंगे। तो फ्रेंड ये देखिए आलू हमने कट करके डाल दिया है, थोड़ा छोटे छोटे पीस में डालेंगे तो पीसने में आसानी होगी। अब हम इसमें ग्रीन चिली डालेंगे और ग्रीन चिली का हम ये वाला हिस्सा निकाल लेंगे, यानी इसका डंठल पीछे वाला, और इसमें आप डालेंगे ये अदरक और अब इसमें डालेंगे अपनी सूजी। और पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, विदाउट पानी डाले हम इसे पीस लेंगे क्योंकि आलू में काफी अपना पानी होता है, तो इसलिए अब हमें थोड़ा सा नमक डालना है बस। तो ये लिया हमने नमक और नमक डालकर अब हम इसे पीस लेते हैं और इसका स्मूथ सा पेस्ट बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड पेस्ट हमने बना लिया है और इस पेस्ट को ये देखिए हम निकाल लेते हैं इसके अंदर सारा का सारा। और इस तरह से बिल्कुल स्मूथ पीसना चाहिए, बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए इस तरह से। तो ये देखिए हमने निकाल लिया सारा और अब हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। तो फ्रेंड हमने आधा चम्मच अजवाइन लिया है, बस अजवाइन ही डालेंगे इसके अंदर और इसे अच्छे से फेंट लेंगे और कुछ भी नहीं डालना है। नमक हमने पहले से डाल रखा है और अदरक का बहुत ही अच्छा टेस्ट है। तो ये रेडी हो चुका है, तो अब हम इसे फटाफट नाश्ता बनाने के लिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड आ गए हैं गैस की तरफ और हमने एक अपने पैन को रख दिया है और इसमें हम हल्का सा ऑयल लगाएंगे और सारे में ऑयल से ऑयलिंग कर लेंगे। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लगाना है, हल्का सा एक चम्मच ऑयल में अच्छे से ग्रीस करना है इसे इस तरह से। तो जब ये हल्का सा गर्म हो जाएगा हम इसमें एक एक चम्मच नाप के इस तरह से डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना है, बस इसको आधा आधा भरना है और इस तरह हम सारे अपने फिल कर लेंगे। देखिए बहुत ही आसानी से। और ये अभी पहला स्टेप है, अभी हम इसके बाद इसको अलग से बनाएंगे। आप लोग वीडियो पूरी देखिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है इस वीडियो में आपको। और इस तरह से हम सारे बढ़ते जाएंगे। तो फ्रेंड इस तरह से मैंने सारे फिल कर लिए हैं और अब इसे हम बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट तक पकने देंगे बिना ढक्कन लगाए। आप चाहें तो इसे ढक्कन लगा के भी पका सकते हैं लेकिन ढक्कन लगाने की जरूरत नहीं है। और अब इसे हम 2 मिनट बाद चेंज करेंगे इसकी साइड को। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुके हैं, अब इसके हम साइड आराम से बदल सकते हैं। ये देखिए अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं और आलू डालने से बहुत ही बढ़िया बनते हैं। और इस तरह से हम इसकी सारी साइडें बदल लेंगे इस तरह से। देखिए बहुत ही आसानी से ये जब पक जाता है तो अपने आप छोड़ने लगता है और बहुत ही कम ऑयल में हमने इसे पकाया है। बहुत ज़्यादा ये हेल्दी है। और इस तरह से हम सारे कलर देंगे। तो सारे टर्न कर लिए हैं और अब इसे दूसरे साइड से भी 2 मिनट पका लेंगे, फिर इसके बाद निकालेंगे। तो जब तक ये पक रहे हैं हम आगे चलते हैं, जरूर बताते हैं हमें क्या क्या तैयारियां करनी है। तो फ्रेंड इधर हमने लिया है एक टमाटर जो बड़ा साइज का था, अगर आपका छोटा साइज का है तो 2 डालिएगा। और इधर हमने 2 छोटी छोटी मीडियम साइज की प्याज ली है, थोड़ी सी लहसुन की कलियां और 1 रेड चिली लिया है और इसको हम डालकर मिक्सी डालने इसका पेस्ट बनाएंगे। तो इस तरह से हम डाल देंगे, थोड़ा सा इसमें पानी डालकर इस तरह से हम पेस्ट बना लेंगे। तो पेस्ट बनाकर आपको दिखाते हैं हम। तो इसमें बिल्कुल ज़्यादा पानी डालना, थोड़ा सा पानी डालना है और इसको अच्छे से स्मूथ कर लेना है। तो फ्रेंड मैंने इसे पीस लिया, इस तरह से देखिए अच्छे से स्मूथ बना लिया है और अब इसे हम एक बर्तन में रख लेते हैं। तो फ्रेंड रेड चिली डालने से कितना बढ़िया टेस्ट आ गया, सॉरी कलर आ चुका है। तो इस तरह से ये रेडी हो चुका है, चलिए उसे चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड ये डन हो चुके हैं और इधर हमारा ये देखिए इस तरह से पीछे से भी अच्छे से लाल हो चुका है, इस तरह से देख सकते हैं आप सारे। और ये देखिए, तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और आगे की तैयारी। तो फ्रेंड देखिए इस तरह से मैंने इसे निकाल लिया है और ये देखिए अच्छे से डन हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा इसे कुक नहीं करना है, हल्का सा इसे 80% रखना है। और तभी हमने इसे निकाल लिया था क्योंकि हम इसे बाद में पकाएंगे। तो अब हमने एक पैन रख दिया, इसको गर्म हो जाने देंगे अच्छे से। तो फ्रेंड पैन हमारा गर्म है, हम इसमें डालेंगे ऑयल, ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे, बस आधा पैन डालेंगे। और अब इसमें थोड़े से मेथी के दाने 3-4, थोड़ी सी अजवाइन जिसको हाथ से मसलते हुए हम इस तरह से डालेंगे, थोड़ा सा सौंफ इसको भी हाथ से मसलते हुए डालेंगे और थोड़ा सा कस्तूरी मेथी इस तरह से डालकर इसे अच्छे से पकने देंगे। और जब ये पकने लगेगा तब हम इसे गैस को बिल्कुल धीमा करके ये चटनी इसके अंदर ऐड करेंगे। तो ये देखिए हमने चटनी ऐड कर दिया है, तो चटनी को अच्छे से पकाएंगे अभी। तो फ्रेंड जब ये हल्का सा बनने लगेगा तब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट, आधा चम्मच, क्योंकि हमारी इसके अंदर भी सॉल्ट है तो हमें केयरफुली डालना है। और अब देखिए अच्छे से ये हो रहा है,
तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा सोया सॉस, एक चम्मच तक। तो एक चम्मच तक हम सोया सॉस डाल देंगे, अगर आपके पास हो तो डालिएगा, ना हो तो मत डालिएगा, कोई बात नहीं है। और अब इसमें हम थोड़ा सा चिली डालेंगे, तो चिली भी हम इसमें आधा चम्मच डाल देंगे। तो इस तरह से हम डाल दे रहे हैं आधा चम्मच, आप लोग नाप के डालिएगा। और अब इसके बाद इसमें रेड केचप डालेंगे ताकि बहुत ही बढ़िया टेस्ट आए इसका। तो थोड़ा सा कलर के लिए हम रेड केचप डाल रहे हैं इसके अंदर, तो ये भी हम चम्मच से नहीं डाल रहे हैं, डायरेक्ट डाल दे रहे हैं, आप एक चम्मच डाल दीजिएगा, एक बड़ा वाला चम्मच। और सारी चीज़ों को अब हम अच्छे से भूनेंगे ताकि बहुत ही बढ़िया टेस्ट आए और हमारी सॉस बहुत ही बढ़िया रेडी हो जाए। तो अब हम इसे अच्छे से हाई फ्लेम पर भूनेंगे और इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे होममेड गरम मसाला जो हमने घर में बनाया है। आप कोई भी मार्केट का रेडीमेड वाला भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास घर वाला ना हो। और अब हम इसे डाल कर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी सॉस कितनी अच्छे से रेडी हो चुकी है, कितना खूबसूरत कलर आ चुका है। तो अब हम सॉस को अच्छे से भून लेंगे और इसमें अच्छे से जब बबल आने लगते हैं समझ जाइए अच्छे से भूनना है। तो एक मिनट भूनने के बाद ये देखिए अच्छे से तेल छोड़ने लगी है। तो अब हम ये तैयार अपना ये डाल देंगे इसके अंदर और डाल कर इसे अच्छे से लपेट देंगे। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और अब हम इसमें एक ग्रीन चिली कट करके डालेंगे। तो लास्ट में हम एक ग्रीन चिली जिसको हमने बीच से कट कर दिया वो डाल देंगे और इसको डालकर हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। अगर आपके पास हरा धनिया हो तो आप डाल दीजिएगा, मेरे पास इस समय हरा धनिया अवेलेबल नहीं है लॉकडाउन की वजह से, इतना ज़्यादा अभी सब्जियाँ मिल नहीं रही है मार्केट में। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। तो देखिए कितना गजब का ये नाश्ता बनकर रेडी हो गया है, सूखी और कच्चे आलू का। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब मैं इसे दिखाता हूँ। रेडी हमारा सूजी और कच्चे आलू से बनाई अमेजिंग सा नाश्ता। नाश्ता पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल को नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पर आपको बहुत ही इजी रेसिपी मिलेगी और आप उसे देखकर बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। और हम ऐसा कुछ भी नहीं बनाते जो आप लोग ना बना पाए। तो देखिए इसका लुक देखिए, इसका टेक्स्चर देखिए, कितना अच्छे से बना है ये और टेस्ट में बहुत ही अच्छा है। आप एक बार ट्राई करेंगे तो आप बार बार बनाकर खाएंगे। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इसका लिंक आपको इस चैनल के नीचे मिल जाएगा। और ये देखिए वीडियो पूरी ध्यानपूर्वक देखिएगा तो आप अच्छे से बना पाएंगे। और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है क्योंकि ये सूजी का है। ये देखिए कितना अच्छा टेस्ट है और टेक्सचर भी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है इस तरह से। तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको कैसे लगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए, सेफ रहिए, हेल्दी बनाइए, हेल्दी खाइए। और मैं इसे एंजॉय करने वाली हूँ, आप भी इसे बनाइएगा, देखिए कितना बढ़िया लुक है। बाय एंड टेक केयर।